हेलो एवरीवन आई वेलकम यू ऑल टू दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ विद मिजू आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे टॉप एमसीक्यूज प्लस रिवीजन जो हमारे पास कौन सा टॉपिक है चिल्ड्रन एक्ट और चिल्ड्रन राइट स्पेशलाइजेशन का आपका जो यूनिट सिक्स है उस पर अगर हम बात करें तो हमने गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो हमारे पास प्रोग्राम्स हैं उनमें से उन मेडिकल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स पे एमसीक्यूज लाए थे प्लस डिटेल में बात की थी फिर अडोपशन फोस्टर केयर और इंस्टीट्यूशनल केयर पे भी हमने बात की थी आज का जो वीडियो ये हमारे पास चिल्ड्रन एक्ट पर होने वाला है कौन कौन से एक्ट इसमें आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा क्लास को जल्दी से सभी लाइक कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे अगर कोई हमारा यहाँ पर नया है चैनल पर तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है और अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुआ तो लास्ट पर वीडियो के एंड पे मैं नंबर दूंगा उस आपने मैसेज करना है आपको ऐड कर दिया जाएगा चलिए हम अपनी क्लास की तरफ बैठते हैं देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ये चिल्ड्रन एक्ट होता क्या है देखिए हम तो एम डिस्कस करेंगे लेकिन अच्छे से देखेंगे ताकि आपको ये आज के बाद अगर आपको आ, कहीं से भी ये मतलब पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े और आपको टॉपिक जो है वो अच्छे से कम्प्लीट हो जाए देखिए चिल्ड्रन एक्ट क्या होता है चिल्ड्रन एक्ट रेफर्स टू लेजिस आर लॉज सिंपल सी बात है कि जो चिल्ड्रन एक्ट होते हैं ये रेफर्स टू लेजिशंस आर लाज दैट आर डिज़ाइन टू प्रोटेक्ट द राइट्स एंड वेलफेयर ऑफ़ चिल्ड्रन जो किस लिए डिज़ाइन किए जाते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स को और जो वेलफेयर है की उसको ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है याद रखना चाइल्ड कस्टडी को कवर करते हैं चाइल्ड एबल करते हैं है है. क्या कहां पॉइंट बताया मैंने आपको जो ये हमारे पास डीज लाज हैं याट है ये किस को कवर करते हैं कौन से एरियाज को जैसे चाइल्ड कस्टडी को अडोप्शन को चाइल्ड एब्यूज को और जुविनाइल जस्टिस एक्ट को ठीक है इतना समझ आ गया ओके दे एम इनका एम क्या है टू इंश्योर ट चिल्ड्रन आर प्रोवाइडेड विद सेफ एंड सपोर्टिव इनवायरमेंट इन विच टू ग्रो एंड डेवलप मतलब करना सेफ और सपोर्टिव इनवायरमेंट प्रोवाइड करना जिसमें की अगर बात करेंट्स ऑन स्पेसिफिक चिल्ड्रेन एक्ट होते हैं जो तो ये आपको समझ आए होप आ चुके होंगे चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे देखें हमें क्वेश्चन पूछा गया सबसे पहला क्वेश्चन अब देखें हम एमसीक्यूज के थ्रू पढ़ेंगे और कौन कौन से एक्ट इसमें आते हैं चिल्ड्रन एक्ट के अंदर देखें व्हाट इज द फुल फुल फॉर्म ऑफ जो पास पॉक्सो है इसका फॉर्म क्या है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ऑफेंसिस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सिक्योर ऑफेंसिस प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेकेंड्री ऑफेंसिस क्वेश्चन का आंसर है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ऑफेंसिस ठीक है ये एक एक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इसकी बात करते हैं द द फुल फॉर्म ऑफ इज प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ऑफेंस क्या याद रखना है आपने प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल ओफेंस ओके द एक्ट हैज़ बिन इक्टेड ये इैक्ट किया गया था किसके लिए प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रन को बच्चों को बचाने के लिए फ्रॉम ऑफेंसिस से किसी जुर्म से ऑफ सेक्चुअल असल्ट का हो गया जैसे सेक्चुअल हरासमेंट हो गई जैसे या फिर पोर्नोग्राफी हो गई एंड प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसिस एंड रिलेटेड मैटर्स एंड इंसीडेंट्स अब आपको भूलना नहीं है कि यह एक्ट किस लिए लाया गया ये इनेक्ट किया गया था प्रोटेक्ट करने के लिए चिल्ड्रन को ऑफेंसिस ऑफ सेक्चुअल असल्ट सेक्चुअल हरास नोग्राफी एंड प्रोवाइड फॉर द एटेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द्रायल्स ऑफ सच ऑफेंसीटेड मैटर्स एंड इंसिडेंट क्लियर चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन डियर एस पेरेंट्स आपसे पूछा गया द पोस्को एक्ट जो है वो पोक्सो सॉरी पोक्सो एक्ट क्या है ये फार्मूलेटेड किया गया टू थाउजेंड ट्वेल्व में यानी दो हज़ार बारह में बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डेवलपमेंट के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है उसके थ्रू इसको फार्मूलेटेड किया गया था दो हज़ार बारह में और द एक्ट केम मीन टू फोर्स ऑन अब आपसे क्या पूछा गया कि ये एक्ट फोर्स में कब आया मई 21 2016 में 2016 में 2016 में या जून 22 2018 में मार्च 23 2011 में या फिर जून 21 2009 में तो डियर एस्पेरेंट्स था पोक्सो एक्ट वाज फार्मूलेटिड इन 2012 थाउजेंड ट्वेल्व बाई द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट देखिए ये फार्मूलेट किया गया था किसके थ्रू 2012 में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के थ्रू ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है एग्ज़ाम में और ये एक्ट जो है ये कैम इन टू फोर्स ऑन मई ट्वेंटी वन ये कब फोर्स में आया था हमारे uh, पास 21 मई 2016 में यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर था और ये एक्ट डिफाइन करता है ए चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ एटीन ईयर्स ओके और इट आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर द ट्रायल ऑफ ऑफेंसिस अंडर द एक्ट ये चीज़ें आपने इसके बारे में याद रखनी है चलिए अगला क्वेश्चन आपसे डियर एसपेरियंट्स पूछा गया व्हाट इज़ ए चाइल्ड एज पर पोक्सो एक्ट कि एक चाइल्ड क्या है एज़ पर पोक्सो एक्ट के अकॉर्डिंग एनी वन बिलो एटीन ईयर ऑफ एज एनी वन बिलो सिक्सटीन ईयर ऑफ एज एनी वन बिलो फोटीन ईयर ऑफ एज या फिर एनी वन बिलो टेन ईयर ऑफ़ एज डियर एसपेरियंट्स अगर हम देखते हैं इसके बारे में तो इस क्वेश्चन का आंसर है द पोक्सो एक्ट जो है हमारे पास ये डिफाइन करता है चाइल्ड एज एनी पर्सन बिलो एटीन ईयर ऑफ़ एज ठीक है ये अपने याद रखना है और इस एंसर, इसका आंसर क्या है ऑप्शन नंबर ए एनी वन बिलो एटीन ईयर ऑफ एज चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे द पोलिस आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द मैटर ऑफ चाइल्ड सेक्चुअल अब्यूज टू द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सी डब्ल्यू सी विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द एक्ट बिंग डन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ द रिपोर्ट बींग रिसीव्ड एटीन आवर ऑफ़ द क्राइम या फोटी एट आवर्स ऑफ द रिपोर्ट बींग रिसीवड डियर एसपेरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है द पोलिस आल्सो रिक्वाइड टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सी डब्ल्यू सी विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स ऑफ रिसीविंग द रिपोर्ट ओके ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है याद रखना है कि पोलिस जो है वो रिक्वाइड करती है किसी भी ऐसा मैटर में वो अटेंशन करती है जो भी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के अंदर आता है कितने घंटों के अंदर ट्वेंटी फोर आवर्स के अंदर जो होगी वो रिसीव द जैसे ही वो रिसीव करेगी रिपोर्ट को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, Act है हमारे पास वट कैन बी द रीजन फॉर ए चाइल्ड इंटरोगेशन एज पर द पोक्सो एक्ट कि जो पोक्सो एक्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे एक चाइल्ड इंटरोगेशन क्या है टू स्टेब्लिश वेदर द चाइल्ड नीड्स अर्जेंट बी मेडिकल अटेंशन टू हेयर द चाइल्ड वर्जन ऑफ द सर्कमस्टांस लीडिंग टू द कंसर्न या टू गैट ए पिक्चर ऑफ चाइल्ड रिलेशनशिप विदेन्ट्स आर फैमिली ऑल ऑफ द अबो डेयर एज पेरेंट्स ऑप्शन नंबर डी ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं ठीक है वाट कैन बी द ये सारे रीज़न है फॉर चाइल्ड इंटरोगेशन एज पर द पोक्सो तो एक्ट टू एस्टेब्लिश क्या करना वैदर के जो चिल्ड्रन नीड्स अर्जेंट बी मेडिकल अटेंशन उसको चाहिए या नहीं चाहिए या टू हेयर द चाइल्ड वर्जन ऑफ़ द सर्कमस्टांस इज लीडिंग टू दंसर्न टू गेट ए पिक्चर ऑफ द चाइल्ड रिलेशनशिप विद द पेरेंट्स आर फैमिली ये सारे के सारे इसके लिए हमारे पास रीज़न क्वेश्चन से चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं अच्छा यहाँ पे आपने क्या याद रखना है यहाँ पे गौर करने वाली बात है देखिए यह क्या लिखा गया है ये इन एक्टमिंट डेट है क्या है इन एक्टमिंट डेट इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना कि ये इनएक्ट कब हुआ था जून 19 2012 में हुआ कब नाइनटीन जून टू थाउजेंड ट्वेल्व में ये इनैक्ट हुआ था और ये एक्ट ईयर इसका दो हज़ार बारह है यानी कि इनैक्टमेंट ईयर दो हज़ार बारह है टू थाउजेंड ट्वेल्व है ये, ये, तो, ये आपसे एग्जाम में आएगा क्वेश्चन शॉर्ट टाइटल क्या है द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्चुअल अफेंस एक्ट टू थाउजेंड ट्वेल्व मैंने अभी ऑलरेडी आपको इसकी फुल अब्रिवेशन बता दी थी लॉन्ग टाइटल क्या है एक्ट टू प्रोटेक्ट यहाँ पर मैं जूम कर लेता हूँ इस स्लाइड को एन एक्ट टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्राम ऑफेंसिस ऑफ सेक्चुअल असोल्ट ओके सेक्चुअल हरासमेंट एंड पोर्नोग्राफी एंड प्रोवाइड फॉर एस्टेबलिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ सच ऑफेंसिस एंड फॉर मैटर कुनेक्टेड देयर विद इन अर इंसीडेंट देयर ऑफ इतना आपने याद रखना है फिर मिनिस्ट्री रिस्पॉसिबल कौन सी है मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डिवेल्पमेंट अच्छे से ये चीज़ें याद रखना शॉर्ट वे में मैंने स्लाइड में लाई है ताकि आप परेशान न हो okay? ओके और इन्फोर्समेंट डेट का भी ये इन्फोर्स किया गया था 14 नवंबर 2012 को कब 2012 में हमारे पास 14 नवंबर को यह किया गया था यह चीजें समझ आ चुकी हैं इन एक्टमेंटर सभी ओवरऑल इस स्लाइड में मैंने आपको इसके बारे में बता दी चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया जुविनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 हैज़ बीन पास बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंटेंसिव इंटेंस सॉरी कंट्रोवर्सी डिबेट एंड प्रोटेस्ट ऑन मेनी ऑफ इट्स प्रोविजंस बाय चाइल्ड राइट फ्रेटर्निटी वुमेन राइट्स फ्रेटर्निटी ट्रैफिकिंग राइट्स फ्रेटर्निटी नन ऑफ दिस तो इस क्वेश्चन का आंसर है चाइल्ड राइट फ्रेटर्निटी ओके जो जुविनाइल हमारे पास जस्टिस एक्ट 2015 है ये पास किया गया था किसके थ्रू बाय पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जो एमडिस्ट करता है इंटेंस कंट्रोवर्सी डिबेट एंड प्रोटेस्ट ऑन मैनी ऑफ इट्स प्रोविजन्स बाय चाइल्ड राइट फ्रेटर्निटी के ओके यहाँ पे आपने अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते पहले अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये आपने याद रखनी है कि इट रिप्लेस द इंडियन ज्विनाइल जो हमारे पास डिलेनिक्वेंसी लॉ है ठीक है हमारे पास ये जो ला है ना इसको इसने रिप्लेस किया था ठीक है उसके बाद बात करते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन जो हमारे पास चिल्ड्रन एक्ट 2000 है एंड फॉलोज फॉर जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद ला इन द एज ग्रुप ऑफ 16 टू 18 इयर्स ये अपने याद रखना है कि ये हमारे पास जो कन्फ्लिक्ट किसके साथ होती है जो एज ग्रुप हमारे पास सिक्सटी से एटीन ईयर होता है जो इन्वॉल्व होता है यानी ऑफेंसिस में टू बी ट्राइड एज अडल्ट ये अपने पॉइंट याद रखना है यह एज बहुत जरूरी है ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्ट आल्सो सॉट टू क्रिएट यूनिवर्स ंग दिंदू अडोप्शन एंड मैंटेन्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी सिक्स और यह एप्लीकेबल होता है हिंदू बुद्धि जैन एंड सिक्स को कौन सा जो हमारे पास हिंदू अडोप्शन एंड मैंटेन्स एक्ट होता है हमारे पास नाइनटीन फिफ्टी सिक्स का एंड गॉर्डियंस एंड वार्ड एक्ट नाइन एटीन नाइनटीन जो एप्लीकेबल है मुस्लिम्स के लिए दो नाट रिप्लेसिंग दैम और दी एक्ट कैमिन टू तो फोर्स फ्राम फिफ्टीन जनवरी टू थाउजेंड सिक्सटीन और ये हमारे पास फोर्स में कब आया था पंद्रह जनवरी दो हज़ार सोलह में से तो ये आपने याद रखना है इसने रिप्लेस किस को किया इंडियन जुवेनाइल जो हमारे पास डिलंक्वेंसी ला था उसको ठीक है ये आपने याद रखना है इंपॉर्टेंट होगा ठीक है जिसका मतलब ये हमारे पास केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट टू थाउजेंड को ठीक है एंड फॉलोज फॉर जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद ला इन द एज ग्रुप ऑफ सिक्सटीन टू एटीन ये आपने कुछ पॉइंट्स के बारे में याद रखने चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया द पुनिशमेंट फॉर क्रियली टू क्रियल्टी टू जो वनाइल आर चाइल्ड अमाउंट्स टू जो पुनिशमेंट है क्रियल्टी के लिए हमारे पास जुविनाइल और चाइल्ड uh, अमाउंट्स के लिए वो क्या है इम्प्रेजरमेंट आप टू सिक्स मंथ फाइन आर बोथ या इंप्रेजनमेंट अप टू वन ईयर विद फाइन आर बोथ या इंप्रेजनमेंट अप टू ईयर्स ऑनली या फाइन अप टू यहाँ पे आप देख सकते हैं वन लाख ऑनली तो आपने बताना है इसका क्या होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इम्प्रेजनमेंट अप टू सिक्स मंथ आर फाइन आर बोथ ठीक है यह आपने याद रखना है कि अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए पुनिशमेंट इसके लिए क्या है जो विनाइल और चाइल्ड बाउंडस की तो इसके अंदर इंप्रेजनमेंट अप टू सिक्स मंथ होगी या फिर फाइन होगी या दोनों ही होंगे चलिए आगे क्या पूछा गया अभी बीचा द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट से टाइप ऑफ जुबिनाल डेलिनक्वेंसी इनमें से कौन सा जो है वो कंस्टिट्यूट करता है टाइप ऑफ जुबेनाइल डेनिनक्सी को डेलिनक्सी को तो स्टेटस ऑफेंस सिविल ऑफेंस क्रिमिनल ऑफेंस ए एंड सी तो डी और एस्पेरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है डी ऑप्शन स्टेटस ऑफेंस और जो हमारे पास क्रिमिनल ऑफेंस हैं ये कंस्टिट्यूट करते हैं टाइप ऑफ जुबेनायल डेलिनक्वेंसी को ठीक है चलिए आगे अगर हम बात करते हैं तो नोट लिखा है देर आर थ्री मेजर कैटेगरीज ऑफ जुविनाइल डेलिंगसी एक है वायोलेंट क्राइम्स विच रिजल्ट इन बॉडिली इंजरी सच एज अस ऑसॉल्ट हो गया मर्जर एंड रेप हो गया फिर प्रॉपर्टी क्राइम्स हो गए प्रॉपर्टी क्राइम्स आर कमिटेड वेन ए जुविनाइल यूज फोर्स आ थ्रेट आफ फोर्स टू ऑबेन द प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स जिसमें क्या किया जाता है कि जो जुविनाइल यूज करता है फोर्स को या थ्रेट आफ फोर्स टू ऑबेन करने के लिए प्रॉपर्टी ऑफ अदर्स एंड ड्रग रिलेटेड क्राइम्स इन्वॉल्व जो हमारे पास प्रोसेशन होते हैं तो ये चीज़ें आपने इसके बारे में थोड़ी याद रखनी है चलिए यहाँ पे आपने इसके बारे में अब याद रखना है कि इनएक्टमट डेट इसकी क्या है इनएक्टम डेट क्या है ये इनएक्टम इक्टमेंट इन होता है ये दिसंबर थर्टी फर्स्ट दो हज़ार पंद्रह में ठीक है टू थाउजेंड फिफ्टीन में इकत्तीस दिसंबर दो हज़ार पंद्रह में ये इनेक्ट होता है और शार्ट टाइटल है इसका जो जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट टू थाउजेंड फिफ्टीन ओके इतना समझ आया लॉन्ग टाइटल में आप बात करेंगे तो इन एक्ट टू कंसॉलीडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन इलेज एंड फॉर्न टू बी इन कन्फ्लिक्ट विद द ला एंड चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ जो कैटरिंग टू देयर बेसिक नीड्स थ्रू प्रॉपर केयर के साथ ठीक है जिनकी बेसिक नीड पूरी की जाए प्रोटेक्शन की जाए डेवलपमेंट की जाए ट्रीटमेंट की जाए या फिर सोशल uh, सोशल री इंटीग्रेशन किया जाए बाई अडोप्टिंग ए चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच इन द एडजुडिकेशन एंड डिस्पोजल ऑफ मैटर्स इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रंस एंड फॉर देयर रिहेबिटाइजेशन थ्रू प्रोसेस प्रोवाइडेड एंड इंस्टीट्यूशन एंड बॉडीज अस्टेबलिश हेयर इन अंडर एंड फॉर मैटर कनेक्टेड देयर विद आर इंसिडेंटल देयर ऑफ देर टू ये चीज़ें थोड़ी सी आपने इसमें स्लाइड में पढ़ लेना आपके काम की वैसे ये नहीं होगी लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसके लिए रिस्पॉसिबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कहा मैंने मिनिस्ट्री ऑफ़ वुमेन एंड चाइल्ड डिवेल्पमेंट और इन्फोर्समेंट डेट आपसे पूछी जाए तो फिफ्टीन जनवरी दो हज़ार सोलह है ठीक है ये पंद्रह जनवरी दो हज़ार सोलह को क्या हुआ था इन्फोर्स हुआ था किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जुविनाइल जो हमारे पास है क्या यहाँ पे जो हमारे पास ये वाला एक्ट है यहाँ दोबारा से मैं बता देता हूँ ये वाला एक्ट जुवेनायल जस्टिस एक्ट ओके जुवेनायल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन चिल्ड्रन एक्ट 2015 चलिए आगे बात करते हैं डियर एसपेरेंट्स यहाँ पे क्या पूछा गया आगे आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में व्हाट डज द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट अब ये भी आता है चिल्ड्रन एक्ट में जो हमारे पास चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है इसका एम क्या है एम टू अचीव टू प्रमोट चाइल्ड लेबर रेगुलेट चाइल्ड लेबर प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर रन ऑफ दी अबो डियर एसपेरेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है प्रोहिबिट चाइल्ड लेबर इट एम्स टू रेगुलेट द दवर्स एंड द वर्किंग कंडीशन ऑफ चाइल्ड वर्कर्स एंड टू प्रोहिबिट उनको प्रोहिबिट करना मना करना चाइल्ड वर्कर्स को फ्रॉम बींग एम्प्लॉइड इन हजारियज इंडस्ट्रीज के वो हजारियज इंडस्ट्रीज में काम वगैरह करें ये आपने याद रखना इंपॉर्टेंट होगा उसके बाद ये याद रखना है क्वेश्चन आगे क्या पूछा गया इज़ द द मिनिमम एज फॉर अंडर चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट ट्वेल्व ईयर फोर्टीन ईयर एटीन ईयर तो इस क्वेश्चन का आंसर है ईयर द अमेंडमेंट एक्ट कम्प्लीटली प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो फोर्टीन ईयर्स के ये हमारे पास टोटली totally प्रोहिबिट्स करता है जितने भी बच्चे हमारे पास चौदह साल के कम की उम्र है वो क्या नहीं कर सकते वो एम्प्लॉयमेंट में मतलब किसी भी ऐसी चीज में हिस्सा नहीं ले सकते उनको प्रोहिबिट किया जाता है चलिए तो उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा गया हाँ ये यहाँ पे इसके बारे में बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 है ये क्या है देखिए चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 जो है ये डेजिग्नेट किया जाता है ए चाइल्ड एज अ पर्सन हु हैज़ नॉट कम्पलीटेड देयर 14 ईयर ठीक है जिसने अभी तक अपने फोर्टीन ईयर कंप्लीट नहीं किए हैं इट्स एम इसका मकसद क्या है टू रेगुलेट करना द दवर्स एंड द वर्किंग कंडीशन के जो आवर्स हैं और जो वर्किंग कंडीशन हैं चाइल्ड वर्कर्स की एंड टू प्रोहिबिट करना चाइल्ड वर्कर्स को फ्राम बींगम्प्लॉड इन हज़री इंडस्ट्रीज़ के वो ऐसी इंडस्ट्रीज में काम वग़ैरह में इन्वॉल्व ना हो तो ये हमारे पास चाइल्ड लेबर जो हमारे पास प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट है नाइनटीन एट्टी सिक्स ये भी एक चिल्ड्रन एक्ट है तो इंपॉर्टेंट है उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड

ये जो बदलाव लाया गया इस एक्ट में इसके अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना वो प्रोवाइड करती है स्ट्रिक्टर जो हमारे पास पनिशमेंट है फॉर के लिए वायलेट करते हैं उनके लिए जो है वो स्ट्रिक्टली क्या करती है पनिशमेंट लाती है और इट विल आल्सो मेक द एम्प्लॉय क्या बनाती है एम्प्लॉयर्स को इंप्लॉयंग एनी चाइल्ड इन कंट्रावेंशन ऑफ द एक्ट जो हमारे पास कॉग्निजेबल तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है और फिर इसमें जो अमेंडमेंट हुआ हमारे पास हम बात किसकी कर रहे हैं चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगोलेशन अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटीन की बात कर रहे हैं फॉर इसमें यह भी कहा गया कि द एक्ट ऑल्सो अलोज द गवर्नमेंट टू बार द एम्प्लॉयमेंट और अडोलोसेंट्स दैट ऑफ वर्किंग इन एनी हजरियस कंडीशन ठीक है तो ये चीज़ें आप इसके बारे में यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं ये चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन जो अमेंडमेंट एक्ट टू थाउजेंड सिक्सटी है उसमें ये ऐसा बताया गया है चलिए आगे बात करें अगर हम तो हमारे पास चाइल्ड लेबर प्रोहबिशन अमेंडमेंट रूल्स टू थाउजेंड सेवेंटीन भी कुछ आए थे इसमें द गवर्मेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू मेक फर्दर अमेंडमेंट्स इसमें कुछ और अमेंडमेंट बनाई गई क्या अमेंडमेंट्स थी इन द एक्ट आफ्टर एक्सटेंसिव जो हमारे पास कंसल्टेशन विद द स्टेक होल्डर्स प्रोविजन अंडर द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगोलेशन अमेंडमेंट रूल्स आर एस फॉलोज क्या क्या रूल्स हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं अब देखते हैं ए ब्रॉड एंड स्पेसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रेस्क्यू एंड रिहेबिटलाइजेशन ऑफ़ चिल्ड्रेन एंड एज वेल एज अडोलोसेंट्स वर्कर्स कि इसमें क्या किया गया है जो हमारे पास अमेंडमेंट रूल्स क्या क्या फॉलो किए गए हैं कि एक ब्रॉड और जो स्पेसिफिक फ्रेमवर्क है किसकी प्रिवेंशन के लिए प्रिवेंशन के लिए बचाव के लिए प्रोहिबिशन के लिए रेस्क्यू के लिए एंड रीहेबिटलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन एंड एज वेल एज डेलोसेंट वर्कर्स के लिए फिर क्लैरिटी ऑन इशूज कौन से रिलेटेड टू वर्किंग कंडीशन आप नोट कर सकते हैं सेट ऑफ स्पेसिफिक ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज टू इंश्योर अफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंड कंप्लेन ऑफ द एक्ट ये इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं जो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट दो के जो रूल्स है उनमें ऐसा बताया गया है चलिए नेक्स्ट आप बात करें यहाँ पे अगर हम तो कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसके लिए लिए गए थे 1997 में क्या होता है जो हमारे पास गुरु पद्मस्वामी कमेटी होती है वो इस्टेब्लिश की जाती है टू स्टडी करने के लिए एंड टैकल करने के लिए चाइल्ड लेबर इश्यूज को बहुत इंपॉर्टेंट है हो सकता है आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिले क्या कहा मैंने गुरु पद्मस्वामी जो कमेटी थी वो इस्टेब्लिश की जाती है टू स्टडी करने के लिए और टैकल करने के लिए चाइल्ड लेबर इशू को फिर नाइनटीन में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट इनेक्ट किया जाता है फिर दो में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोहिबिट इंप्लाइमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर ठीक है और फिर 2017 में क्या होता है चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट रूल्स ब्रॉड फ्रेमवर्क अगेंस्ट क्या होता है हमारे पास यहां पे चाइल्ड लेबर्स के लिए तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये आप याद रख सकते हैं इस स्लाइड में ये आप अच्छे से याद रखेंगे कौन से साल क्या हुआ कौन से ईयर में क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर अलेवन है ना ये एक और एक्ट है एन सी पी सी आर अब इसकी फुल एब्रीवेशन आपसे पूछ ली गई देखिए मैं जो एम सी क्यूज ला रहा हूँ फिर उसके साथ जो जो एक्ट है उसको डिटेल में भी आपको बता रहा हूँ जो आपके काम का है एन सी पी सी आर क्या है नेशनल कमीशन फॉर प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स नेशनल कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन राइट्स नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नेशनल काउंसिल फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रीहेबिटाइजेशन तो देखें इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एन सी पीसीआर सी एक्ट कौन सा है तो ये हमारे पास है यहां पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ठीक है चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन पूछा गया वाज द एनसी पी सी आर स्टेबलिड यह कब एस्टेब्लिश किया गया 2001 में 2005 में 2010 में 2015 में तो याद रखना डियर एसपेरेंट्स द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एन सी पी सी आर ये सेटअप हुआ था मार्च 2007 हज़ार सात में सेटअप होता है अंडर द कमिश्नर्स कमीशन सॉरी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सी पी सी आर एक्ट टू के अंडर इन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट दिसंबर दो में दो में ठीक है अगर आपसे पूछा जाए सेटअप कब हुआ दो में हुआ और किसके अंडर हुआ जो हमारे पास 2005 का जो हमारे पास कमीशन था फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सी एक्ट उसके अंडर चलिए आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ़ द एन ये मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है एन के ये क्वेश्चन है आपके सामने इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन इंप्लीमेंटिंग चाइल्ड लेबर लॉज प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन टू आल चिल्ड्रन प्रमोटिंग चाइल्ड मैरिज तो इस क्वेश्चन का आंसर है इंश्योरिंग द वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन वन ऑफ द कोर मैंडेट्स ऑफ द कमीशन इज टू इंक्वायर इन टू ऑफ वायोलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसका जो मेन हमारे पास कोर मैंडेट्स है कमीशन का वो इंक्वायर करना था कंप्लेंट ऑफ वायोलेशन जो है हमारे पास चाइल्ड राइट्स की और कमीशन इज आल्सो रिक्वायर्ड जो हमारे पास टू uh, सुमोटो कोग्निसेंस ऑफ सीरियस केसेस ऑफ वायलेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड टू एक्समाइन फैक्टर्स दैट इनहिबिट्स द इजॉयमेंट ऑफ़ चाइल्ड जो हमारे पर राइट्स ऑफ चिल्ड्रन्स और ये इनहिबिट्स करता है जितने भी इन्जॉयमेंट्स से राइट्स ऑफ़ चिल्ड्रंस की उनको एक्जमाइन करता है तो ये आपने याद रखना है इम्पॉर्टेंट होगा चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन पूछा अच्छा इसके बारे में आप थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं व्हाट इज़ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये क्या है हमारे पास एन ये एक स्ट्रटरी बॉडी है जो सेटअप की गई मार्च दो में कब आपसे पूछा जाए दो में एन की बात करें अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अंडर दो हज़ार जो एक्ट दो हज़ार पाँच का जो एक्ट था ठीक है इतना समझ आया इट इज़ अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ़ मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर ये आता है किसकी कंट्रोल के अंदर आता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की कंट्रोल में ये चीज़ आती है और कमीशन मैंडेट इज़ टू इंश्योर दैट आल लार्ज पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म आर इन कंसोनेंस विद द चाइल्ड राइट्स परस्पेक् परस्पेक्टिव एज इनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आल्सो द यू एन कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड ये चीज़ें आपने थोड़ी सी इसके बारे में देखनी है कि जो हमारे पास नेशनल कमीशन फॉर चाइल्ड ऑफ जो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है वो क्या है और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये आपने देखे हैं यहाँ पे फिर आपको ये पता होना चाहिए यह इंक्वायर करता है क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और बता देता हूँ इट इंक्वायर्स थोड़ा जूम कर लेता हूँ इट इंक्वायर्स ये इंक्वायर्स करता है इनटू कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू चाइल्ड राइट्स टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 ये इंक्वायर्स करता है कंप्लेंट्स को जो रिलेटिंग किसके है चाइल्ड राइट्स किसकी जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है अंडर द राइट टू एजुकेशन एक्ट टू के अंडर और इट मोनीटर्स द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन्स फ्राम सेक्चुअल ऑफेंस जो हमारे पास पॉक्सो एक्ट था टू का और वट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू चिल्ड्रंस क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिलेटेड टू चिल्ड्रंस तो कॉन्स्टिट्यू ये भी आपने याद रखना है ग्रंटीज टू एवरी चाइल्ड द राइट टू लाइव विद डिग्निटी आर्टिकल ट्वेंटी वन कहता है और राइट टू पर्सनल लाइवरिटी आर्टिकल ट्वेंटी वन कहता है राइट टू प्राइवेसी भी आर्टिकल ट्वेंटी वन है और राइट टू इक्वलिटी राइट जो हमारे पास फोर्टीन आर्टिकल है एंड राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन राइट आर्टिकल जो हमारे पास फिफ्टीन है उसके अंदर आता है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन और राइट अगेंस्ट एक्सप्लेटेशन आर्टिकल ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी फोर के बीच में आता है और आपसे मुझे क्यों लगता है कि एक क्वेश्चन इन आर्टिकल से भी बनने को आएगा एग्ज़ाम में चलिए आगे बात कर लेते हैं फिर राइट टू तो फ्री एंड कंपलसरी जो हमारे पास एलिमेंट्री एजुकेशन फ़ॉर ऑल चिल्ड्रंस 16 से 14 ईयर एज ग्रुप वो आर्टिकल 21 ए में आता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है ये भी आपने याद रखना है ये एक्स्ट्रा पॉइंट में आपको बता रहा हूँ ठीक है कन्फ्यूज नहीं होना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड इन पर्टिकुलर आर्टिकल थर्टी एफ में भी जो है ये हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट right है बच्चों का कास्ट एंड ऑब्लिगेशन ऑन द स्टेट टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर गिवन अपॉर्चुनिटीज़ के बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए एंड फैसिलिटीज़ दी जाए टू डेवलप इन ए देल्थी मैनर एंड इन गुड कंडीशन ऑफ़ फ्रीडम एंड डिग्निटी एंड दैट चाइल्ड हुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लाइटेशन एंड अगेंस्ट मॉरल एंड मैटर जो हमारे पास मटीरियल एवंमेंट है ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है आर्टिकल थर्टी नाइन एफ के अंदर ये चीज़ बताई गई है फिर राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ये आर्टिकल आपने याद रखने चलिए आगे क्या है स्टैंड फॉर फॉर इसकी फुल क्या नेशनल कमीशन प्रोमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स नेशनल कमेटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स नेशनल काउंसिल फॉर चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड रीहेबिटाइजेशन तो इस क्वेश्चन का आंसर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स क्या है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इसका राइट right आंसर है चलिए आगे बात करते हैं वट वाज द द ये एस्टेब्लिश कब किया गया था ये एक्ट जो चिल्ड्रन एक्ट दो हजार एक में पांच में दस में पंद्रह में तो डियर द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ये गया किया गया 2007 में अंडर दोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट सी पी सी आर एक्ट टू थाउजेंड एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंटर दो हज़ार पांच में चलिए ये तो हो गया हमारे पास और ये हमारे पास क्वेश्चन uh, ये तो हो गए थे दोबारा से रिपीट हो गया आई थिंक आगे बात करते हैं हाँ ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फिफ्टी क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन पूछा गया विच ईयर वाज द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट इनेक्टेड इन इंडिया कि कौन से साल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है इनैक्ट किया गया इंडिया में 2000 में 2006 में 2010 में 2016 में तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2006 में यानी 2006 थाउजेंड सिक्स में इक्रीजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर फीमेल्स इंक्रीज़ करने के लिए एज ऑफ मैरिज फॉर फीमेल्स द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट टू प्रोवाइड्स दैट मिनिमम एज ऑफ मैरिज ट्वेंटी वन ईयर होनी चाहिए इन केस ऑफ मेल्स एंड एटीन ईयर होनी चाहिए इन केस ऑफ़ फीमेल्स तो यह बातें आपने याद रखनी है चलिए आगे क्या है हमारे पास आगे ये पता होना चाहिए आपको जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ना ये भी एक एक्ट है हमारे पास चाइल्ड चिल्ड्रेन एक्ट में आता है 2006 की बात करें इज एन इंडियन लॉ दैट प्रोहिबिट्स द मैरिज ऑफ़ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज़ ये बात अपने याद रखनी है और इट एम्स टू प्रिवेंट द एक्सप्लेटेशन ऑफ चिल्ड्रन एंड सेफ गॉड्स दे राइट्स टू एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ओके और मतलब बचाता है उनके एक्सप्लेटेशन ऑफ चिल्ड्रन की जो एक्सप्लेटेशन है उनको भी सेफ करता है सेफ करता है उनके राइट्स को जो उनकी एजुकेशन को लेके है और उनकी डिवेलपमेंट को लेके है फिर लॉ ये प्रोवाइड करता है पेनाटीज़ फॉर दोज इन्वाल्ड इन अरेंजिंग आर सोलिजिंग चाइल्ड

फ्री एजुकेशन है कंपलसरी एजुकेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन है क्वालिटी एजुकेशन नॉ नो डिटेंशन पॉलिसी प्राइवेट स्कूल रेगुलेशन और स्पेशल प्रोविजन इसके अंदर बताए गए हैं अब फ्री एजुकेशन में आप देख सकते हैं द एक्ट इंश्योर्स दैट एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन इन नेबर इन ए नेबरहुड स्कूल हर एक बच्चे का ये राइट बनता है कि उसे फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन मिले नेबरहुड स्कूल में फिर कंपल्सरी एजुकेशन में क्या दिया गया इट मेन्टेट्स दैट ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ जो छः से चौदह साल की उम्र में है इन टाइटल टू कंपल्सरी एजुकेशन उनके होनी चाहिए नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए द एक्ट प्रोहिबिट्स करता है डिस्क्रिमिनेशन इन एडमिशन रिटेंशन एंड कंप्लीशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन बेस्ड ऑन द फैक्टर्स लाइक जेंडर कास्ट रिलीजन और डिसबिलिटी फिर क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए ये बातें आपको पता होनी चाहिए नो डिटेंशन पॉलिसी में यह है कि इट इंट्रोड्यूज नो डिटेंशन पॉलिसी विच प्रिवेंट स्कूल्स फ्राम डिटेनिंग स्टूडेंट्स अप टू क्लास आप देख सकते हैं फिर हमारे पास यहाँ पे बताया गया इंश्योरिंग कंटिन्यूज एंड कम्प्रीहेंसिव रेगोलेशन इंस्टेट प्राइवेट स्कूल रेगोलेशन दल ये जो एक्ट है ये जो हमारे पास राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन आर टी ई एक्ट है ना टू थाउजेंड नाइन ये हमारे पास कहता है कि ये रेगुलेट करता है एडमिशन प्रोसेस फीस को जो हमारे पास फी है या इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स फॉर प्राइवेट स्कूल्स टू इंश्योर असेसिबिलिटी फॉर आल चिल्ड्रन फिर स्पेशल प्रोविजंस भी हैं इसके अंदर इंक्लूड चाइल्ड लेबरर्स एंड चाइल्ड विद डिसेबिलिटीज टू इंश्योर देयर एजुकेशन राइट्स आर प्रोटेक्टेड कि इंश्योर किया जाए कि उनके जो आ, हमारे पास एजुकेशन राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड है ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स थे आर टी ई एक्ट टू के जो एम करते हैं प्रो, प्रोमोटिंग करते हैं यूनिवर्सल एस एस को टू क्वालिटी एजुकेशन फॉर आल चिल्ड्रन इन इंडिया तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ठीक है उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए नोट एक याद रखना है कि एट्टी सिक्स कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट टू थाउजेंड टू जो था हमारे पास वो इंसर्टेड किया गया आर्टिकल ट्वेंटी वन उसमें इंसर्टेड किया गया था इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्टेट करता है के स्टेट शैल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन ऑफ सिक्स टू फोर्टीन ईयर इन सच मैनर एज द स्टेट में बाई लॉ डिटरमाइन तो ये एक पॉइंट था नोट कर लेना हो सकता है ये आपको कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐसा बताया गया था तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स था तो ये भी आप याद रख सकते हैं ठीक है, है? देखिए इस वीडियो में हमने क्या क्या डिस्कस किया आपको ये पता होना चाहिए कि हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें ये डिस्कस की सबसे पहले तो हमने देखा था यहाँ पे आपको मैं बताता चलूँ एक